दोस्तों जिम जाते हो अगर मिक्स फ्रूट डाइट चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी मात्र हेलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीत ब्लॉग में तो भाई आज आपका भाई लेकर आ गया आपको सदर बिहार पुल ड्राई फ्रूट मार्केट मेरे पीछे आप देख सकते हो भाई ड्राई फ्रूट की मार्केट होने वाली है यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट और मसाले दोनों मिल जाते हैं अगर आपको यहाँ पर आना है तो सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन जो है वो आपका पड़ेगा तीस आयारी का और चौक का वहां से भाई ई रिक्शा पकड़ के आप इस मार्केट में आ सकते हो वॉकिंग डिस्टेंस भी भाई थोड़ा सा रहता तो दो सौ मीटर का पैदल भी आप आ सकते हो मार्केट की टाइमिंग जो है वो सुबह होती है आठ बजे से शाम को आठ बजे तक एशिया की नंबर वन मार्केट है भाई है ड्राई फ्रूट की अगर आपको यहाँ पर आना है तो अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ले सकते हो और मसाले भी ले

ठीक है तो अलग अलग वैरायटी थी किशमिश की सब के सब अलग अलग रेट थे तो भाई भैया ये दे रहे थे काली मिर्च ठीक है एक सौ रुपए की आधे किलो बता रहे थे काली मिर्च धनिया भी था इनके पास और ये जीरा वगैरह भी था और गोला भाई ये देखो एक रुपए बता रहे थे और इसमें भाई दाग था ठीक है मैंने इनसे बोला भैया दाग हो रहा है इसमें है सारे ऐसे ही है क्या फिर इन्होंने दूसरा दिखाया कह रहा भैया एक आध पीस निकलेगा सारे नहीं निकलेंगे एक सौ दे रहे थे ये और खजूर का अलग अलग भाई रेट था कोई दो सौ था कोई 280 कोई 260 अलग अलग वैरायटी थी खजूर में तो दो सौ से शुरू था मखाना जो है भाई ये एक सौ किलो मखाना दे रहे थे और पता नहीं क्या रेट है थोड़ा सही है ठीक है कमेंट करके भाई ज़रूर बताना ठीक है ना बादाम इनके पास क्वालिटी अच्छी खासी थी बादाम की साढ़े पाँच किलो था बादाम है ना पाँच साढ़े पाँच सौ छः सौ साढ़े छः सौ और काजू भी ऐसे ही था साढ़े चार सौ पाँच सौ साढ़े पाँच सौ छः सौ तो अलग अलग वैरायटी थी जैसे आप लोगे है ना ये साबुत अगर हल्दी चाहिए आपको तो साबुत हल्दी वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी और रेट जो है काफ़ी सही था है ना ज़ीरा और लाल मिर्च साबुत वाली ये भी आपको मिल जाएगी इसका भाई लाल मिर्च साबुत वाली ये बता दें साठ रुपये की आधे किलो ठीक है तो उसके हिसाब से आप रेट अपना देख लेना अगर आपको सही लगे तो विजिट कर सकते हो आप इस शॉप पे भैया के पास बाकी आगे भी देखो यहाँ पे दाल वगैरह चाहिए तो आपको यहाँ पे दाल वगैरह भी मिल जाती है ये देखो दाल ये बच्चे से मैंने पूछा था ये बच्चा बता रहा था <laughs> भाई ये बच्चे से मैंने पूछा कितने रुपये की दाल है ये कह रहा एक सौ किलो <laughs> तो अलग अलग रेट है वैसे सबके के दालों के है ना अलग अलग रेट थे चने की दाल भी थी लाल दाल भी थी है ना मसूर की उड़द की सब आपको यहाँ पर दाल मिल जाएगी रेट जो है दाल का काफ़ी बढ़िया है अपने मार्केट के अकॉर्डिंग जैसे हमारे को मिलता है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर भी ठीक है तो आप यहाँ पर आके विजिट करके ले सकते हो चने की दाल लाल दाल सब आपको यहाँ पर मिल जाती है है ना ये देखो ये भी थी दाल तो जब मैं भाई इस बच्चे के कैमरा कर रहा था ना मुँह पर तब तो शर्मा रहा था और वैसे पूछ रहा था तब बता रहा था तो ये लाल दाल भी देखो आपको चाहिए तो लाल दाल भी आपको मिल जाएगी एक सौ चालीस रुपये किलो बता रहे थे ठीक है ना इसमें एक क्वालिटी ये वाली थी और एक वो वाली थी ठीक है चने की दाल जो है ये भी सेम रेट था एक सौ चालीस रुपये किलो तो एक सौ चालीस रुपये चने की और लाल की दोनों आप ले सकते हो बाकी कमेंट करके बताना कि आपके नियर बाय कैसे आपको मिलता है और बाकी आपको छोले वगैरह लेने हो तो सब कुछ ये रखते हैं ठीक है आके इनसे ले सकते हो आप बाकी और यहाँ पर भी आंटी जी थी एक जो भाई दे रही थी सामान वगैरह है ना यहाँ पर इनके पास इलायची थी इलायची थोड़ी है भाई लो क्वालिटी थी मेरे हिसाब से है ना तो ये इसकी बता दें सोलह सौ रुपए किलो लो क्वालिटी इलायची थी मेरे हिसाब से बाकी आप देख सकते हो है ना सोलह सौ रुपये किलो बता दें बाकी यहाँ पर इनके पास कुटी लाल मिर्च और पिशई दोनों थी धनिया भी था हल्दी भी थी तो भाई हल्दी और लाल मिर्च धनिया वगैरह एक सौ साठ रुपये आंटी जी बता दी किलो ठीक है बाकी रेट वगैरह करते कि कर लेंगे जो अगर लेने आएगा रेट वेट भी थोड़ा बहुत कम कर देंगे धनिया का भी हल्दी का भी और लाल मिर्च का भी बाकी सब चीज़ें यहाँ पर आपको मसाले में मिल जाती है आ सकते हो आंटी से ले सकते हो ठीक है रेट वगैरह जो है आंटी ये कह रही थी कि कम कर दूँगी आ जाओ और ले जाओ बाकी और मैं मैंने इनसे ये भी पता करता था मैक्रोनी भी थी इनके पास मेरे घर के आसपास तो भाई ये अस्सी रुपये सत्तर रुपये किलो मिलती है यहाँ पर आंटी बता रही थी पचास रुपये किलो ओनली और पास्ता जो था ये भी पचास रुपये बता रही है ना बाकी भाई मेरे घर के हिसाब से अगर यहाँ पे आसपास देखेंगे तो अस्सी रुपये सौ रुपये ऐसे रेट रहता है इसका आप कमेंट करके बताना कि आपको आपके घर के आसपास कैसा होता है यहाँ पे आपको पचास रुपये किलो में मिल जाते हैं ठीक है बाकी यहाँ से मैं और आगे गया था मार्केट के अंदर ये पूरी की पूरी भाई ये देखो मार्केट होती है यहाँ पर मिठाई पुल की पीली कोटी की मार्केट है ये ठीक है मिठाई पुल जो है ये मिठाई पुल के नाम से हो जाना जाता है जो ये चौक है बाकी पीली कोटी की मार्केट है जो पूरी की पूरी भाई ड्राई फ्रूट की और मसाले की होती है यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे गया था आगे जाने के बाद यहाँ पे राइट में भी और लेफ़्ट में भी इनकी दुकानें होती हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हो बाकी मैं भैया से लेफ़्ट में थे ये मैंने इनसे पता करा कि भाई क्या क्या रेट रहता है क्या नहीं रहता तो मैं मतलब पता करते हैं इनसे और काफ़ी ज़्यादा इनके पास भी ड्राई फ्रूट और मसाले वगैरह भी थे भैया के पास है ना तो यहाँ पर भी आप आ सकते हो ले सकते हो इनके रेट जो है भाई इनके रेट मेरे को पिछले वालों से थोड़ा सही लगे थे ठीक है जो भी इन्होंने रेट बताया था किशमिश का जो रेट था इनका वो सही था दो सौ इन्होंने बताया था ठीक है वहाँ पे 240 से शुरू था शायद यहाँ पे 220 था 240 260 बढ़िया किशमिश आपको चाहिए तो यहाँ पर इनके पास मिल जाती है आ सकते हो लेने के लिए और इनके पास भाई ये मिक्स फ्रूट डाइट भी थी है ना अगर कोई जिम वगैरह करता है जिम विम जाते हैं एक्सरसाइज करता है उसके लिए भाई ये डाइट आपको मिल जाएगी यहाँ पर ओनली भाई सात सौ किलो भाई ये बता रहे थे और कह रहे थे कि अगर कोई आता तो साढ़े छः सौ रुपये दे देंगे ठीक है तो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो जिम जाते हो तो ये डाइट लेके जा सकते हो ओनली साढ़े छः सौ रुपये किलो के हिसाब से बढ़िया चीज़ आपको मिल जाती है यहाँ पर बाकी इनके पास बादाम भी था बादाम की मैं क्वालिटी अच्छी खासी थी है हाँ ना ये देखो ये बादाम भैया ने दिखाया था हमारे को और ये बादाम भैया दे रहे थे साढ़े पाँच सौ रुपये किलो साढ़े पाँच सौ रुपये किलो शुरुआत थी इनके पास बादाम की बादाम आपको मिल जाएंगे इनके पास और मैंने फिर इनसे बोला था कि ऑयल कंटेंट इसका चेक कराओ तो भैया ने ऑयल कंटेंट भी चेक कराया था काफ़ी अच्छा था इसमें देखो पिछला भाई पन्ना ना उसमें भी तेल लग गया तो ठीक था ऑयल कंटेंट भी अच्छा था ऑयल कंटेंट अगर बादाम में सही है तो इसका मतलब बादाम अच्छा है बाकी और भी वैरायटी थी बादाम में और ऊपर पचास पचास रुपए आप देखो बढ़ा के ले सकते हो जैसे ये साढ़े पाँच सौ था है ना ये साढ़े पाँच सौ बताया था भाई ने बढ़िया था हाँ और उसके ऊपर जो था वो भाई छः सौ साढ़े छः सौ ऐसे ऐसे क्वालिटी आपको देखो मिल जाएगी ये जो दिखाया था भैया ने ये था साढ़े छः सौ रुपये किलो तो अगर आपको और बढ़िया चीज़ चाहिए तो साढ़े छः सौ किलो मिल जाएगी साढ़े छः सौ रुपये किलो बाकी साढ़े पाँच सौ से शुरुआत हो जाती है इनके पास है ना तो इन्होंने काजू भी दिखाए थे ये काजू था भाई ठीक है ये काजू इनके पास था साढ़े पाँच सौ रुपये किलो काजू भी साढ़े पाँच सौ था ये शुरुआत थी काजू की साढ़े पाँच सौ से बाकी और भी वेरायटी थी काजू की साढ़े पाँच सौ से छः सौ साढ़े छः सौ वो भी आप आके ले सकते हो और जो मेरे ख्याल से इन्होंने दिखाया था ये बढ़िया वाला काजू दिखा रहे थे और साथ में आंटी जी बहुत हंस रही थी भाई वीडियो हम बना रहे थे हंस रही थी ये ये साढ़े छः सौ रुपये दिखाया था भाई ने ये वाला काजू मोटा दाना था और बढ़िया दाना था साढ़े छः सौ रुपये किलो आप ये भी आके ले सकते हो है ना ये देखो भाई दाना बहुत बढ़िया बढ़िया दाना था मोटा दाना था साढ़े छः सौ रुपये किलो के हिसाब से बाकी घर के आसपास लोगे तो आठ सौ साढ़े आठ सौ रुपये ऐसे मिलता है है हाँ ना तो लेकिन यहाँ पर आपको सस्ती इस मार्केट में मिल जाते हैं ड्राई फ्रूट और मसाले वगैरह यहाँ पे मैंने भैया इन से इनसे पता कर था कि गोला वगैरह कैसे रेट दे रहे हो तो ये भाई बता रहे एक सौ किलो पिछले वो जो अंकल थे उन्होंने बताया था एक सौ चालीस और ये बता एक सौ और इनके जो गोले थे ना वो फिर भी ठीक थे उनसे बाकी खजूर इन्होंने रेट बताया था एक सौ मतलब दो सौ बीस रुपये अलग अलग था दो सौ बीस भी था दो सौ चालीस भी था दो सौ अस्सी दो सौ साठ ऐसे ऐसे खजूर का रेट था क्वालिटी जैसे जैसे आप लोगे उसके हिसाब से बाकी ये अंजीर जो है भाई अंजीर काफ़ी बढ़िया है ये भाई डायलॉग मार रहे थे जो खाएगा अंजीर तोड़ देगा जंजीर <laughs> तो ऐसे ऐसे भाई डायलॉग मारते हैं यहाँ पे लोग ना ये देखो मैं बता रहा था कि भाई जो खाएगा अंजीर तोड़ देगा जंजीर ऐसे भाई डायलॉग मार रहे थे और ये अंजीर थी ओनली साढ़े छः सौ रुपये किलो अंजीर भाई नौ सौ किलो भी आती है और आठ सौ साढ़े आठ सौ रुपये किलो भी आती है पर ये थी साढ़े छः सौ रुपये किलो और मोटा दाना भी था ठीक था जो ये डाइट वगैरह में डालते हैं यही डालते हैं है ना तो ये आप अगर अलग से आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर आके ले सकते हो तो बढ़िया चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है, है ना अंजीर में क्वालिटी साढ़े छः सौ पाँच छः सौ साढ़े छः सौ सात सौ साढ़े सात सौ आठ सौ नौ सौ बारह सौ तक की किलो की भी आती है तो आप यहाँ पर आके ले सकते हो काली मिर्च जो थी भाई इनके पास अच्छी खासी मतलब रेट था काली मिर्च का एक सौ काली मिर्च थी और जीरा भी सही था रेट जो घर के आसपास होता है जीरे का धनिए का, काली मिर्च वग़ैरह का इनका रेट इनके पास थोड़ा ठीक ठाक ही था तो वर्थ इट था आके ले सकते हो बाकी ये भैया इस पे रख के खा रहे थे तो मैंने बोला भैया कि मसाले के साथ ड्राई फ्रूट भी फ्री दे रहे हैं क्या भैया <laughs> बाकी रेट इनके अच्छे खासे थे मार्केट के अंदर है ना ये भाई साबुत अगर आपको लाल मिर्च चाहिए तो ये भी भैया बता रहे थे एक सौ किलो अगर आपको लाना हो लेना हो तो ले सकते हो बाकी ड्राई फ्रूट जो हैं सारे के सारे इनके पास मिल जाते हैं जो भाई ये मिक्स फ्रूट डाइट में जितनी भी सारी चीज़ें डलती है ना वो इनसे मैं पूछ रहा था कि अगर कोई अकेले अकेल अकेले मतलब अलग अलग लेना चाहे तो वो ले सकता है तो उसका क्या रेट रहता है क्या रहता है तो वो चीज़ मैं इनसे पता कर रहा था रेट जो था वो मतलब ठीक ठाक था अगर आपको पता हो तो इस मार्केट में जान जानते हो आप इस मार्केट के बारे में पहले विजिट आपने करी है तो आपको पता ही होगा इनका रेट जो होता है वो क्या होता है यहाँ का है ना बाकी फिर मैं अंदर गया था आ, अंदर जाके मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उसमें डलती है मिक्स फ्रू मतलब मिक्स फ्रूट डाइट में जो होती है ये भाई भैया ने बताया था है ना पमकिन सीड्स वग़ैरह फ्लैक्स सीड्स और बहुत सारी मतलब सीड्स वगैरह जो है इसमें मिक्स की जाती है ना तो वो सारी की सारी इसमें ऐड ऑन होती है तो वो बनाया जाता है पूरा डाइट बाकी अगर आपको डाइट बनानी आती है अगर आप जानते हो डाइट बनाना तो अलग अलग भी ले लेके जा सकते हो अलग अलग रेट होता है उसका आधा किलो एक किलो जो भी आपको जैसे भी बनानी है उसके हिसाब से अलग अलग लेके जा बाकी भैया ने ये भाई इलायची बताई थी इलायची बाईस सौ रुपए किलो थी इनकी और दाना भी मोटा था मतलब वो जो पहले हमने देखी थी सोलह सौ रुपये किलो वाली उसके हिसाब से इसका दाना काफ़ी मोटा था और ये थे भाई गोंद गोंद के लड्डू आप अगर बनाते हो ना तो आपको पता ही होगा गोंद कैसी होती है ऐसा भाई ये गोंद होता है ठीक है गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं इससे तो ये भी भैया हमारे को बता दे एक सौ अस्सी रुपये किलो के हिसाब से है ना बाकी ये पिस्ता वगैरह चाहिए आपको तो पिस्ता वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाता है मार्केट के अंदर पिस्ता लेना हो आपको तो आ सकते हो और पिस्ता भी लेके जा सकते हो बाकी रेट वगैरह मेरे हिसाब से भैया के इनके ठीक थे जैसे भी था ऑल ओवर इनके पास स्टार फूल जो मसाले वगैरह में डलता है ये भी था स्टार फूल आप ले सकते हो यहाँ पर आके और भी बहुत सारी चीज़ें मसाले की सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है जो भी आपको मसाला वगैरह बनाना हो लेना हो काल ये काली मिर्ची आपको साबुत वाली बड़ी वाली तो ये भी आपको मिल जाती है यहाँ पर है ना ये देखो तो ये भी आप ले सकते हो आके मसाले मैंने इनसे यही पूछा था कि भैया मसाले वगैरह ड्राई फ्रूट वग़ैरह रखते हो आप या मसाले भी सारे रखते हो तो ये कह रहे थे भैया मसाले भी हमारे पास सारे होते हैं और ड्राई फ्रूट भी होते हैं अगर मसाले आपको चाहिए शादी ब्याह वग़ैरह में चाहिए तो बुश के लिए भी अवेलेबल हम करा देते हैं आके इनसे ले सकते हो अगर आप यहाँ पर विज़िट करना चाहते हो थोड़े बहुत अपने घर के सामान के लिए तो आ सकते हो ले सकते हो बाकी अगर आपको शादी ब्याह के लिए चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है ठीक है तो आके यहाँ पर ले सकते हो बाकी फिर मैंने इनसे पूछा था भैया अगर कोई विजिट करना चाहे आपके पास तो कैसे कर सकता है अपना कार्ड वार्ड दे दो नंबर वगैरह बता दो तो फिर ये भाई ढूंढ रहे थे अपना कार्ड और बहुत मशक्कत करने के बाद इनको कार्ड मिला जब जाके फिर इन्होंने कमार को अपना कार्ड दिखाया तो ये होने वाला था भाई इनका कार्ड ये दोनों नंबर ठीक है राहुल ड्राई फ्रूट्स मसाले के नाम से तो इनके पास भाई विज़िट कर सकते हो आप और ले सकते हो इस तरह से भाई ये था यहाँ पे चौक से थोड़ा आगे आके लेफ़्ट में ये लगाते हैं ठीक है दुकान है इनकी ये मतलब ठीक टाइप का तो यहाँ यहाँ पर आ सकते हो और ड्राई फ्रूट वग़ैरह मसाले वगैरह अगर आपको लेने हो इस मार्केट से तो आप यहाँ पर आके ले सकते हो बाकी इस तरह से भाई ये मार्केट थी लेफ़्ट में राइट में जैसे कि मैंने आपको बताया था ना लेफ्ट में भी राइट में भी दोनों जगह मतलब दोनों साइड ये मार्केट होती है पूरी की पूरी दुकानें लगी होती हैं यहाँ पर और भाई ये भाई देखो इस भाई ने तो डरा ही दिया भाई मेरे को ठीक है भाई ने डरा दिया और यहाँ पर अपना भाई मिल गए थे एक आ, इनके दुकान है यहाँ पर भी और सही मतलब इनके पास भी सामान वामान होता है यहाँ पर यहाँ पे भी आप लेके जा सकते हो इनसे भी है ना बढ़िया बढ़िया सामान आपको इनके पास भी मिल जाता है बाकी यहाँ पे बहुत सारे बंदे जानते हैं मेरे को क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा विजिट यहाँ पे करता हूँ आता रहता हूँ मार्केट के अंदर इसलिए जानते हैं बाकी अगर आप भाई आपको देखो ये चाहिए तो पोहा वगैरह भी आपको देखो ये मिल जाता है ठीक है आंटी जी के पास और आंटी जी बता रही थी भाई साठ रुपये किलो और पचास रुपये किलो तो आ सकते हो लेने के लिए ये भाई मैगी अगर आपको चाहिए तो ये भी पचास रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगी ठीक है इसके साथ में मसाला भी आपको मिलता है मैक्रोनी आपको चाहिए तो आंटी साठ रुपये बता रही थी पिछले जो हमने दुकान देखी थी स्टार्टिंग में वहाँ पर पचास रुपये रेट था आंटी का था साठ रुपये तो साठ रुपये की अगर आपको लेनी हो तो ले सकते हो बाकी मैक्रोनी जो है वो पचास रुपये की बता देती है आंटी जी पचास रुपये किलो ये तो सही था बाकी मैंने पापड़ भी पता करे थे रंग बिरंगे पापड़ जो भाई होते हैं ना तल के खाने वाले चाय के साथ काफ़ी बढ़िया लगते हैं ये तो ये आंटी जी बता रही साठ रुपये किलो ठीक है और गोलगप्पे अगर आपको चाहिए वाले भाई फूलने वाले जो रेडीमेड गोलगप्पे लगते हैं ना दिखते हैं वो यही यहीं से लेके जाते हैं और यहीं से वो फुला के बेचते हैं ये आंटी जी बता रही अस्सी रुपये किलो तो अस्सी रुपये किलो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा थे क्योंकि आगे थोड़े मार्केट में घूमोगे आप तो सस्ता आपको मिल जाएगा बाकी यहाँ पर भाई एक और मिल गए थे ठीक है ये भी भाई जानते हैं इन्होंने बुला लिया था और भाई कहाँ पर जा रहे हो मैंने कहा बस तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ मैं ठीक है फिर इनसे भी मैंने थोड़ा बहुत रेट लिया था गोले वगैरह का रेट लिया था तो गोले का रेट जो था इन्होंने बताया था एक सौ ठीक है खजूर इनके पास भी दो सौ और दो ऐसे रेट था खजूर का ठीक है अलग अलग वैरायटी का अलग, अलग अलग रेट था खजूर का आना चाहो तो आप ले सकते हो इस तरह से भाई इनका रेट रहता है काजू बादाम ड्राई फ्रूट मसाले वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इनसे ही मैंने पता करा था ये जो भाई काजू ये था ये भैया बताते छः सौ रुपये किलो है ना ये वाला छः सौ था और ये वाला जो बता रहे थे ये था साढ़े छः सौ रुपये किलो बाकी बादाम भी इनके पास मिल जाएगा बादाम पाँच सौ रुपये था ये साढ़े पाँच सौ रुपये किलो था ठीक है और अखरोट वगैरह चाहिए तो आपको अखरोट भी इनके पास मिल जाएगा फिर इन्होंने बोला कि भैया मैं आपको काजू का दाना देखो चेक कराता हूँ देखो है ना मोटा दाना भाई आपको ये मिल जाएगा ठीक है अगर आप आना चाहो लेना चाहो तो काजू बादाम किशमिश वगैरह यहाँ से ले जा सकते हो ये देखो ये जो भाई अखरोट है अखरोट भाई ये मार को बता रहे थे चार सौ रुपये किलो और नीचे वाला जो था वो था साढ़े चार सौ रुपये किलो तो थोड़ी की अलग अलग वैरायटी थी दोनों की क्वालिटी अलग थी बाकी ऑयल कंटेंट मैंने इनसे पूछा था कि भैया ऑयल कंटेंट कैसा रहता है इसमें तो उन्होंने दिखाया था कि भैया काफ़ी अच्छा होता है ठीक है अगर आप क्योंकि अखरोट में भाई जैसे हम पीसते हैं ना इसको अगर हाथ में आप ले देखोगे बाकी भाई ये देखो भैया ने ये तोड़ के दिखा दिया और फिर मैंने इनको बोला मैंने भाई ऐसा तो हर कोई तोड़ देगा तुम यहाँ पर तोड़ते हो तो टूट जाता है घर पर कोई लेके जाता तब नहीं टूटता तो फिर भैया ने बोला अच्छा आप देख लो आप जो चूज़ करोगे वो मैं तोड़ दूंगा मैंने चलो ठीक है फिर मैंने उनको उठा के दिया ये वाला तोड़ के दिखाओ तो वो कह रहे चलो मैं तोड़ के दिखाता हूँ फिर भाई इन्होंने देखो एकदम तुरंत ऐसे तोड़ दिया ये है ना और ये हम भाई घर पे अगर ना बेलन से पता नहीं किस किस चीज़ों से तोड़ते हैं इन्होंने हाथ से तोड़ दिया तो यहाँ पे ये है कि अगर आप लेके जाओ तो अच्छे से चेक वैक करके अपना लेके जा सकते हो चीज़ें ड्राई फ्रूट में आपको भाई सारी की सारी मिल जाती है अखरोट चाहिए अखरोट मिल जाएगा है ना काजू बादाम सब आपको यहाँ मिल जाते हैं अखरोट का जो रेट था इनका साबुत वाले का ये भी पाँच सौ रुपये किलो था ठीक है काली मिर्च वग़ैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और धनिया जीरा वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल जाता है किशमिश वगैरह मिल जाते हैं है। सारी की सारी चीज़ें भाई जो है आपको ड्राई फ्रूट की मसाले की इस मार्केट के अंदर मिल जाती है ठीक है विजिट आप कर सकते हो जैसे भाई चौक था मैं आगे आया था आगे आके सीधे आप तो भाई भैया की दुकान थी ठीक है इनके पास विजिट कर सकते हो और ये सारी, ये सारी की सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट की यहाँ पर आके ले सकते हो आप बाकी भाई ये भैया भाई कह रहे थे भैया मेरा कार्ड दिखा दो तो मैंने बोला भैया दिखा दो फिर ये भाई इनका कार्ड था दोनों नंबर है किसी भी आप फोन कर सकते हो और विजिट भी कर सकते हो इनकी दुकान पे ठीक है इस तरह से भाई ये मार्केट होती है तो भाई वीडियो का मैं एंड करा था तो भाई ये पीछे खड़े थे भाई ये जैसे भाई टीवी वगैरह में आएंगे मेरी वीडियो के थ्रू तो यहाँ पर भाई आ सकते हो आप विजिट कर सकते हो ठीक है ना मार्केट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना कमेंट करके ज़रूर बताना है ना और विजिट आपने इस मार्केट में पहले कभी करी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो यहाँ पर भी फॉलो कर लेना बाय बाय